नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं एन टीवी निष्पक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बॉलीवुड जगत से। आलिया ने कहा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से लूंगी डाइवोर्स। 100 करोड़ का मानहानि केस फाइल करने के बाद नवाजुद्दीन ने भेजा था सेटलमेंट ऑफर। हाल ही में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्स वाइफ आलिया ने कहा है कि वो और नवाज जल्द ही अलग हो जाएंगे। आलिया ने बताया है कि नवाज ने सेटलमेंट करने का ऑफर दिया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है। दरअसल एक्स वाइफ आलिया और भाई पर मानहानि का केस लगाने और 100 करोड़ रुपए के हर्जाने की डिमांड करने के बाद नवाजुद्दीन ने आलिया को सेटलमेंट का ऑफर दिया था। आलिया ने कहा, डाइवोर्स लूंगी, बच्चों की कस्टडी के लिए भी लड़ूंगी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी एक्स वाइफ आलिया के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। नवाजुद्दीन ने आलिया के लॉयर रिजवान सिद्दीकी को सेटलमेंट ऑफर भेजा था। मीडिया से बात करते हुए आलिया ने कहा कि वो नवाजुद्दीन से डाइवोर्स लेंगी और अपने बच्चों की कस्टडी के लिए भी लड़ेंगी। नवाज ने भी बच्चों की कस्टडी मांगी है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आलिया ने आगे कहा, मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ नहीं। आलिया आगे कहती हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, रहने को घर नहीं है। कुछ दिनों पहले आलिया ने कहा था कि नवाज ने उन्हें अपने अंधेरी वाले बंगले से निकाल दिया है। आलिया ने बताया कि फिलहाल वो रेंट पर अपार्टमेंट में रह रही है, जिसे उन्हें 30 मार्च तक खाली करना है। उन्होंने बताया कि केस की वजह से उन्हें दूसरा अपार्टमेंट ढूंढने में मुश्किल हो रही है। आलिया का ओरिजिनल नाम है अंजना किशोर पांड्या। आलिया ने बताया कि उनके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। हालांकि उन्होंने अपने बच्चों को अलग अलग एक्टिविटी क्लासेस में बिजी रखा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि डाइवोर्स मिल जाने के बाद वो अपना नाम बदल लेंगे। बीते दिनों मीडिया से बात करते हुए आलिया के लॉयर ने कहा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने लॉयर की मदद से मुझे सेटलमेंट के पेपर भेजे हैं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि दोनों पार्टियों के बीच चल रहा विवाद सुलझ जाए। साथ ही दोनों पार्टियों को पेरेंट्स के तौर पर अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए कोई भी फैसला लेना चाहिए। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हैं तो आपको मानहानि का केस वापस लेना होगा। नवाजुद्दीन के मानहानि केस पर 30 मार्च को सुनवाई होनी है। नवाजुद्दीन ने याचिका में उनके भाई और पत्नी आलिया के बयानों को सोशल मीडिया कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पत्नी और भाई लिखित माफी मांगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक आप देखते रहिए एन टीवी निष्पक्ष।